यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है और कम्प्लीट इसके बिजनेस के डिटेल को, इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट को भी देखेंगे और कम्प्लीट रूप से हम जानेंगे स्टॉक कितना बेहतरीन है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहले हम बिजनेस की बात करें तो ये स्टॉक है ग्रेनुलज इंडिया और इसकी जो सब्सिडियरी कंपनियां हैं, सभी कंपनियां मिलकर के मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स का, एपीआईज का, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट जिसको हम एपीआईज बोलते हैं और फिनिश डोरेज का। साथ ही साथ बात करें, कंपनी ग्लोबल मार्केट लीडर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैरासिटामोल, मेटफॉर्मिन, ग्यूफेंसन एंड मेथोकार्बामोल का और कंप्लीट एक्सपेंशन किया है कंपनी एफआई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का, जो पैरासिटामोल है, मेटफॉर्मिन है, फाइनेंशियल 20 में, तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी अपना एक्सपेंशन भी कर चुकी है। तो इस तरह से कंपनी का बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी लगातार अपने एक्सपेंशन पे भी ध्यान दे रही है। और यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें, ज़्यादातर रेवेन्यू यूएसए से, मतलब नॉर्थ अमेरिका से आता है, जो कोई कंट्रीब्यूशन है 51.9%। तो 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू जो जनरेट करती है कंपनी वो नॉर्थ अमेरिका से, 19.1% यूरोप से, 11.7% लैटिन अमेरिका से, 11.4% इंडिया से और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 5.9%। तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो रेवेन्यू में देता है वो नॉर्थ अमेरिका है। तो ये फाइनेंशियल 2021 के अकॉर्डिंग था। इसी तरह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन डिफरेंट सेगमेंट का। और वहीं अगर बात करें रेवेन्यू मिक्स का, 52.5% जो है एपीआईज कंट्रीब्यूट किया था, 18.7% पीएफआई जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट है और 28.8% जो है जो फिनिश डोजेज है। कंपनी के जो तीन मुख्य सेगमेंट है उसमें रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात किया, सबसे ज्यादा फिनिश डोजेज जो है उसका 52.5% कंट्रीब्यूशन है, 18.7% जो पी एफ आई का है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट का, एक्टिव फार्मा इंटरमीडिएट्स का 28.8%। तो कुछ इस तरह का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई भी कर रखा है, लेकिन तीन जो मेन प्रोडक्ट है उसका कंट्रीब्यूशन कंपनी के रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा रहता है, जिसको हम आगे देखेंगे। अगर कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका जो मुख्य कंट्रीब्यूशन होता है वो तीन प्रोडक्ट देता है, जैसे पैरासिटामोल हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया, एबुप्रोफेन हो गया। इसका तीन जो मुख्य प्रोडक्ट है जिसका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं 34% यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था पैरासिटामोल का, मेटफॉर्मिन का 26 और यहाँ पर एबुप्रोफेन है इसका 18% और इधर रिस्ट सभी का जो कंट्रीब्यूशन इधर बच गया आपको 16+3+3। वही कंपनी की अगर कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है तो फाइनेंशियल 20 से फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ है। वहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो के हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहा था, बस 2018 में यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निगेटिव था। तो कैश फ्लो भी कंपनी अपना इम्प्रूव किया है और कंपनी का यहाँ पर बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इम्प्रूव हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर 2018 में घट करके लोवेस्ट हो चुका था 14.7%, यहाँ से लगातार इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी हर पैरामीटर्स पे अपने बिजनेस के एक्सपेंशन पे भी ध्यान दे रही है, साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर हर फाइनेंशियल पैरामीटर को इम्प्रूव कर रहा है, तो जो कि हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन है, मतलब हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर्स का जो रेवेन्यू का CAGR है 19% का और बात करें कंपनी के 5 ईयर्स का EBITDA जो ग्रोथ है वो है 25% का। तो देख सकते हैं EBITDA काफ़ी बेहतरीन रूप से इंक्रीज हुआ है और कंपनी का जो प्रॉफिट EBITDA मार्जिन है वो भी यहां पर डिक्रीज हुआ था 2018 तक और उसके बाद लगातार इंक्रीज हुआ। वहीं प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो 35% का है, यहाँ पर जो प्रॉफिट का मार्जिन है यहाँ पर डिक्रीज हुआ था 2018 में, लोवेस्ट था और 2018 के बाद लगातार कांस्टेंट रूप से इंक्रीज हुआ है। अब अगर हम बात करें ESG जर्नी का, देखिए ESG जर्नी होता है इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस जर्नी, ये हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन पैरामीटर देता है, काफ़ी बेहतरीन मतलब कंपनी का रिकॉर्ड बताता है कि पीछे का रिकॉर्ड कैसा है, तो उसके अनुसार हम यहाँ पर ESG जो जर्नी है कंपनी का कुछ इस तरह से रहा। इन्वायरमेंटल में देखिए 36 है, मतलब इन्वायरमेंटल में कंपनी काफ़ी पीछे, मतलब 50 से एबव हो तो बेहतरीन मानी जाती है। अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो हाइएस्ट है वो 57 है तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी काफ़ी बेहतरीन होगा जिसका 57 है।
इन्वायरमेंटल रूप से। सोशल रूप से बात करें तो ये 52 है, अच्छा है, 50 से अभव हो, जितना अधिक हो 70 से ऊपर हो तो काफ़ी बेटर है। तो यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट है 59 है, तो ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन होगा। यहीं पर ग्रैनुलर्स का ये कलर जो है ग्रैनुलर्स का है लास्ट में 52 है। वहीं बात करें गवर्नेंस में 80 स्कोर मैक्सिमम है, तो ये इस कंपनी का भी 69 है, लगभग हाईएस्ट के आसपास ही है, लेकिन इसमें गवर्नेंस में काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन यहाँ इन्वायरमेंटल में काफ़ी मतलब यहाँ पर दिक्कत दिखा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उस पर इन्वायरमेंटल इश्यू आ जाए, तो जहाँ पर बिजनेस जो है वहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने में सकता है, टेम्प्रोरी बेसिस कंपनी का जो बिजनेस है वो बंद हो सकता है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे आपको देखना पड़ता है। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर देखिए 53 स्कोर है, तो हमें ओवरऑल स्कोर ही देखना है, ये 50 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 50 से ऊपर तो है, लेकिन 70 से ऊपर हो तो काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। वहीं जो हाईएस्ट है फार्मास्यूटिकल कंपनी का 63 है, तो इसके आसपास भी रहता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन ओवरऑल यहां पर जो इन्वायरमेंटल इश्यू जरूर इस कंपनी के साथ है, क्योंकि इसका स्कोर जो है 50 से काफ़ी नीचे है। अगर ग्रैनुलर्स के फंडामेंटल्स की बात करें, देखिए मार्केट कैप 8766 करोड़ का है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें आपको रिस्क भी इन्वॉल्व है, इट एक स्मॉल कैप है लेकिन अपने बिजनेस में वेल एस्टेब्लिश्ड है। करेंट प्राइस की बात है 154 रुपीज का है, डिविडेंड की बात 0.42% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाय 25.4% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.4%, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग 42% और इसमें शेयर जो प्लीज है 6.92%, इस पे आपको ध्यान देना है, अगर ये 10% से ज़्यादा हो तो फिर ये एक इश्यू है। देखिए प्रमोटर्स का शेयर प्लीज है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर डेट है, तो लॉन्ग टर्म में प्लीज परसेंटेज शेयर जो है काफ़ी बड़ा इश्यू होता है, तो इस पर ध्यान रखना है। डेट टू इक्विटी 0.39 का है, मतलब कंपनी के ऊपर डेट भी अच्छा खासा है 849 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट के बाद 558 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और रिजर्व के बाद 2149 करोड़ का है, मतलब ये कंपनी आसानी से अपने डेट पे कर सकती है क्योंकि रिजर्व अच्छा खासा है। अब बात करें एनालिसिस का, तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 34.89% के CAGR से पिछले 5 साल में ग्रो हुआ है, कंपनी का जो सेल्स है 19.18% के CAGR से 10 ईयर्स में ग्रो हुआ है, और कंपनी का यहाँ पर बात करें कौन का जो निगेटिव चीजें हैं, कंपनी में कोई खास निगेटिव चीजें नहीं है जिससे हम इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए काफी परफेक्ट ये स्टॉक्स है। और बात करें यहाँ पर बॉटम लाइन और टॉप लाइन ग्रोथ का, टॉप लाइन ग्रोथ देखिए 2010 में सेल्स था 460 करोड़ का, जो कि इंक्रीज करके हो चुका है 2021 में 3238 करोड़ का, तो जबरदस्त यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ है। और सेल्स का यहाँ पर देखिए ग्रोथ देखिएगा तो सेल्स का ग्रोथ 21% के CAGR से ग्रो हुआ है, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन हमारे लिए है, क्योंकि इतना तेजी से अगर सेल्स ग्रो हो रहा है निश्चित रूप स्टॉक का प्राइस और तेजी से ग्रो होगा। नेट प्रॉफिट की बात करें 2010 में मात्र 30 करोड़ का था, जो कि बढ़कर के हो गया 2021 में 549 करोड़ का, तो यहाँ पर जो है स्टॉक का जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है, 49% के CAGR से यहाँ पर स्टॉक का प्राइस जो है वो भी ग्रो हुआ है। और वहाँ पर बात करें बैलेंस शीट का, शेयर कैपिटल जो है कंपनी का वो है 25 करोड़ का, रिजर्व जो है वो है 2149 करोड़ का, तो रिजर्व भी काफ़ी बेहतरीन हुआ है। बोरोविंग की बात करें मतलब डेट जो कंपनी के ऊपर 849 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, तो मतलब डेट भी काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, लेकिन इक्विटी के कंपैरिजन में एक से भी कम है, तो डेट इक्विटी कम होने के कारण ये कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैश फ्लो की बात हम पहले ही कर चुके हैं, कंपनी लगातार कैश फ्लो जनरेट करने में सक्षम है, तो जो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। अब बात करें इन्वेस्टर सेक्शन का, प्रमोटर्स अपना होल्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज किया है पिछले एक से दो सालों में, क्योंकि यहाँ पहले 44.8% था, अब 42% बचा है। और यहाँ पर FII अपना स्टेक जो है ये भी थोड़ा सा डिक्रीज किया है पिछले दो तीन क्वार्टर में, 18.35% है, तो इसको भी एज ए प्रमोटर लिस्ट हैं, अच्छा खासा मतलब इसमें जो प्रमोटर्स प्लस FII का स्टेक है अच्छा खासा है, यहाँ पर लगभग 60% के आसपास। DH का स्टेक 2.84% और पब्लिक का स्टेक अच्छा खासा है इस स्टॉक में, तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन जब भी गिरावट मिले तभी इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए टेक्निकल चार्ट को देखना काफ़ी सॉलिड होता है। तो यहाँ देखिए प्राइस जो काफ़ी दिनों से एक रेंज में है, और इसका जो अपर रेंज का लेवल है वो है 405 रुपीज़ से 438 रुपीज़, इस रेंज में ऊपर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, और नीचे का जो रीजन है देखिए यहाँ पर 294 रुपीज़ और 315 रुपीज़, इसके बीच के रीजन में ये सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, तो जब तक किसी रीजन को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इस स्टॉक में बुलिश या बेरिश नहीं हो सकते, तब तक स्टॉक ये साइडवेज है। तो अगर यहाँ पर ऊपर निकलता है
तो हम बुलिश होंगे, अगर इस रीजन को सपोर्ट रीजन को ब्रेक करता है तो इस स्टॉक पे हम बेयरिश होंगे। तो तब तक जैसे गिरावट मिलता है बाय ऑन डिप्स करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक को ऊपर ही जाना है। तो ये शॉर्ट टर्म में हमें देखना है इसका ट्रेंड क्या होता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो बुलिश होंगे, सपोर्ट को ब्रेक करेगा बेयरिश होंगे। लेकिन जितना भी गिरे यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स करना है, मतलब छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करते रहना है जैसे जैसे गिरावट होता है। देखिए वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें, जो वीकली चार्ट है, तो देखिए वीकली चार्ट पर ये स्टॉक का हमेशा आपको बुलिश दिखेगा, या तो स्टॉक साइडवेज रहा है या तो बुलिश रहा है। देखिए यहाँ से एक लंबे समय तक 2015 से लेकर के 2020 के शुरुआत तक ये स्टॉक साइडवेज था, मतलब यहाँ प्राइस वाइज कोई खास ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक ने स्पेंड किया। तो ये टाइम वाइज एक करेक्शन था, फिर यहाँ पर बुलिश हुआ स्टॉक और काफ़ी ज़बरदस्त रैली किया, और यहाँ पर फिर से ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो 294 इसका स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर आपको इसमें इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो फिर आप इन्वेस्टेड रहिए। कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंसिव पर काफ़ी अच्छे से ध्यान रही है, और साथ साथ काफ़ी बेहतरीन कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी काफ़ी बेहतरीन चार्ट बनाया है हमेशा, और चार्ट पे ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक टेक्निकली फंडामेंटली बिजनेस रूप से हर तरह से परफेक्ट है। तो ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।